তাহলে ঠিক কে তৈরি সোমকে বড় রাজ প্রদর্শন নিশানা মানে पेश करते हुए आज पहली बार इस टीम को देखा जाए अगर आज अनुशासित टीम के लिए पुरस्कार के लिए चुना जाए तो मेरे ख्याल से चुना जाएगा क्योंकि देखिए बार बार लोग हमारे को मैदान पर उतर आ रहे हैं चाहे खेल खत्म हुआ हो या न हुआ हो उसके बाद उसका आज फाइव स्वतंत्र शुरू किए हैं आज टीम के अनुशासन चार के बाद तीन संगीत ईशान वाणी की ओर से दूसरा टीम निर्मोही गेंद का सामना करेंगे ऐसे कहते हैं निगाह ही कहीं और निशाना कहीं और तमाम का फोन बात करेंगे आपसे ठीक है आ जा जो सामने अब किसी के साथ पप्पू कितने लेके तैयार किस तरह से अगर देखा जाए तो तीन से चीजों को उन्होंने पत्ती कर चुके हैं राष्ट्रीय किया जाए और ये शिलान्यास किया जाता है संयुक्त प्रदेश की तरफ से जैसे ही मिलते हैं इसके मधुर गए हैं कि गेंद के लिए मधुर की बात में कहा जाने में लगाने के लिए काफी संयुक्त प्रदेश दिखाया है खास तौर पर सेकंड राउंड में उन्होंने काफी सुंदर प्रदर्शन किया था प्रदर्शन के लिए और फिर पहले किक की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लिए है कोई मौका नहीं गोल कीपर के पास और बिल्कुल फिलहाल मधु ने अपने अनुभव का परिचय दिया उन्होंने गोल कीपर के अनुभव को पढ़ा कि गोल कीपर क्या गुरबाना लगा रहा है और बिल्कुल उनकी सोच के परे एक अच्छी किक के साथ पहले मौके को गोल में तब्दील करने का एक सफल अंदाज पेश किया गया है और फिर गोल कीपिंग में की जाती हुई राज ब्रदर्स के लिए चलाए गोल कीपर की भूमिका निभाने के लिए गए हैं मिस्टर पप्पू जैसे नंबर 7 पर वहीं अगर सिंगम ब्रदर्स की बात करें तो फिलहाल ये दूसरा किक लेने के लिए गए हैं जैसे नंबर 4 मिस्टर मंगल इस बार मंगल को अपनी टीम के लिए एक मंगल कार्य करना होगा क्योंकि जानते हैं कि अब उनकी थोड़ी सी भी गलती टीम के लिए काफी ज्यादा नुकसान उठानी पड़ सकती है सेकंड किक काफी तेज तरह किक ले गई थी वहां पर मंगल के द्वारा इस तरह से दोनों मौके को गोल में तब्दील करने में सफल हुए हैं और फिलहाल राष्ट्रीय यही किक चल रही कि इस मैच की क्या दशा और किस दिशा में जी जाएगी और फिलहाल किक लेने के लिए जर्सी नंबर 3 रवि किस्तू को भेजा गया है एक अच्छे व्यवहार खिलाड़ी के तौर पर जाने जाते हैं अनुभव है इनका टाइट ब्रेकर किक की तो फिलहाल ये लास्ट किक सिंगल नंबर की तरफ से दुलाल
कोई मौका नहीं, बिल्कुल सही प्लेसमेंट भी क्लियर लिया गया था।